Hey guys, welcome to second part of A Horse and Two Goats, and let's get started without wasting our time. He noticed now a new sort of vehicle coming down at full speed. तो वो नोटिस करता है मुनि कि एक अलग टाइप का व्हीकल जो है माउंटेन के रास्ते से नीचे आ रहा होता है. इट लुक्ड लाइक बोथ अ मोटर कार एंड अ बस. वो कार और बस दोनों की तरह मिला जुला सा लग रहा था. ही यूज टू बी इंट्रिग्यूड बाय द नोवेल्टी ऑफ सच स्पेक्टिकल्स. ठीक है, जनरली वो ऐसे इंट्रीग्यूट मतलब एक्साइटेड मतलब हो जाता था. न्यूवल्टी मतलब न्यूनेस. ठीक है, कुछ स्ट्रेंज या न्यू चीज को देखकर. ठीक है, जो न्यूनेस है ऐसे स्पेक्टिकल्स की मतलब ऐसे व्यूज की जो कि बहुत ही शानदार होते हैं. क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो गांव का था, तो नॉर्मली उसने अगर वो कुछ नए टाइप के व्हीकल देखता था तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती थी. बट ऑफ लेट वर्क वॉज गोइंग ऑन एट द सोर्स ऑफ रिवर ऑन द माउंटेन. तो बिकॉज ऑफ, इसको आप लिख सकते हो उस जगह वहां पे, बट बिकॉज ऑफ लेट वर्क वॉज गोइंग ऑन, जैसे कि आपके लिए इजी हो जाए. ठीक है, समझने के लिए मतलब बिकॉज जो मेन जहां पे सोर्स ऑफ रिवर ऑन द माउंटेन, वो जो मेन गली थी वहां पे लेट वर्क चल रहा था. जितना वर्क चलना चाहिए वहां से लेट चल रहा था, तो ये वाला जो रास्ता था वहां से ज्यादातर लोग निकलते थे. ठीक है, इसलिए देखो, एंड एन असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट मतलब होता है मिक्सचर ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ मिक्सचर ऑफ पीपल, अलग अलग जगह के. जो इस रास्ते से निकलना ना भी चाहते हो, तो वो वाला रास्ता बंद हो गया था, वहां काम चल रहा था, तो यहां से वो निकलते थे. एंड ट्रैफिक, पीपल एंड ट्रैफिक वेंट पास्ट हिम, मतलब उसके सामने से निकलते थे. एंड ही टुक इट ऑल कैजुअली एंड डिस्क्राइब टू हिज वाइफ लेटर. तो जो है इसीलिए वो इसको कैजुअली मतलब हल्के में लेता था कि इतने न्यू व्हीकल आ रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि दूसरे रास्ते पे काम चल रहा है तो न्यू व्हीकल्स तो यहाँ पे आएंगे ही और ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे लगेगा. ठीक है, लेटर इन द डे एवरीथिंग ही सॉ, मतलब जो है जब दिन का लास्ट मतलब बाद में लेटर दिन में अपनी वाइफ को सब कुछ बताता, जो उसने सारे दिन देखा है. ठीक है, एवरीथिंग ही सॉ वो अपनी वाइफ को जाके बता देता था. टुडे व्हाइल ही ऑब्जर्व द येलो व्हीकल कमिंग डाउन, ही वॉज वॉन्डरिंग हाउ टू डिस्क्राइब इट लेटर टू हिज वाइफ व्हेन इट स्प्लटर्ड एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. तो आज की बात की जाए तो आज उसने एक येलो व्हीकल को वहां से नीचे आते हुए देखा. एक स्लोप है ना, माउंटेन पे पूरा बना हुआ जो रोड है, तो वहां से जब डाउन आते हुए देखा उसने, तो वो ये इस बात पे वंडर कर रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था कि बाद में अपनी वाइफ को कैसे बताएगा कि ये कैसा उसने आज वाहन देखा, क्योंकि वो बहुत अजीब सा था. ठीक है, व्हेन इट स्प्लटर्ड, और उस क्या हुआ, स्प्लटर्ड मतलब होता है कि एकदम ऐसे खासना टाइप की जो आवाज होती है, वो जो गाड़ी रुकती है जब वो धचकी खाती है, थोड़ा सा छोटी छोटी जो एक्सप्लोजन टाइप के मतलब उसमें से एयर निकलती है. ठीक है, वैसे स्प्लटर किया उसने और वो उसी के सामने जाके रुक गए, मतलब उसमें कुछ खराबी आ गई होगी. ए रेड फेस्ड फॉरिनर हु हैड बीन ड्राइविंग इट गॉट डाउन एंड वेंट राउंड इट, स्टूपिंग लुकिंग एंड पोकिंग अंडर द व्हीकल. ठीक है, तो क्या हुआ, एक रेड फेस्ड फॉरिनर वहां पे मतलब उसमें से निकला जो उसे अभी तक ड्राइव कर रहा था, और जाके देखता है व्हीकल के नीचे जाके, मतलब पूरा जांच पड़ताल जैसे जनरली आपको सीन्स में दिखता है कि होती है, वैसे वो जाके करने लगा. और हाँ, स्टूपिंग मतलब होता है बेंड होना फिर खड़े होना, मतलब ऑफकोर्स जो भी दिक्कत हुई होगी वो देख रहा होगा पहियों के पास हर जगह, तो वह बेंड हो रहा था और ऐसे अपराइट हो रहा था बार बार. और पोकिंग मतलब होता है कि किसी चीज से वहां पे जो हो सकता पाइप्स वगैरह उसको साफ करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, अंदर तो व्हीकल. देन ही स्ट्रेटेंड हिमसेल्फ अप लुकिंग एट द डैशबोर्ड. ठीक है, तो अपने आप को फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर डैशबोर्ड मतलब जो मिरर का जो पैनल होता है उसकी तरफ देखता है, फिर जो है मुनि के डायरेक्शन पे स्टेयर करता है, विच मीन्स घूरता है एंड अप्रोच हिम, और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है. शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई हो तो शायद वो मदद मांगना चाहता हो. ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है. एक्सक्यूज मी, इज देयर ए गैस स्टेशन नियर बाय. ओके, तो उसका फ्यूल खत्म हो गया था, तो कहता है कि क्या एक्सक्यूज मी आसपास कोई गैस स्टेशन है, और डू आई हैव टू वेट अंटिल अनदर कार कम्स. और या तो फिर आप ये बता दीजिए यहाँ पे आसपास कोई गैस स्टेशन, या तो फिर मुझे किसी दूसरे कार के आने का इंतजार करना पड़ेगा. ही सडनली लुक्ड अप एट द क्ले हॉर्स एंड क्राइड मार्वेलस विदाउट कम्प्लीटिंग हिज सेंटेंस. तो अपने बात को खत्म करे ही बिना उसकी नजर कहाँ पड़ती है, वो क्ले स्टैचू पे, और फिर वो कहता है मार्वेलस मतलब
अति सुंदर, ठीक है, विदाउट अपना सेंटेंस कंप्लीट किए. मुनी फेल्ट ही शुड गेट अप एंड रन अवे. मुनी को लगा कि उसे खड़ा होकर भाग जाना चाहिए. एंड कर्स्ड हिज एज. वो अपने एज को कर्स कर रहा था, मतलब कहते हैं ना बुरा भला कहना, ठीक है, ब्लेम कर रहा था. कर्स्ड मतलब होता है किसी को श्राप देना वैसे तो, ठीक है. तो क्यों? क्योंकि उसकी इतनी एज है कि वो भाग नहीं सकता. ही कुड नॉट रेडिली पुट हिज लिम्स इनटू एक्शन. जो उसके लिम्स क्या होते हैं हमारे, ये अपर लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स होते हैं, तो अपने लिम्स को वो एक्शन में नहीं ला सकता था, वो भाग नहीं सकता था इतनी जल्दी. द रेड फेस्ड मैन वोर खाकी क्लोथ्स. खाकी आपको पता है कपड़े जो होते हैं, ठीक है, लाइक आर्मी मैन या पुलिस, ठीक है. तो जो रेड फेस मैन था वो उस तरह से कपड़े पहना था, एविडेंटली अ पुलिसमैन और अ सोल्जर. मतलब इस बात का ये सबूत था कि वो या तो एक पुलिसमैन है या तो सोल्जर. मुनी सेड टू हिमसेल्फ ही विल चेज और शूट इफ आई स्टार्ट रनिंग. मतलब वो जो है मेरा या तो पीछा करना शुरू कर देगा, चेज मतलब किसी का पीछा करना, या तो मुझे शूट कर देगा अगर मैं भागूंगा तो. सम डॉग्स चेज ओनली दोज हु रन. मतलब सोचता है कि कुछ डॉग उन्हीं का पीछा करते हैं या फिर उनके पीछे भागते हैं जो जो है एक्चुअल में मतलब भाग रहे हो. कई बार ऐसा होता है ना जैसे बंदर रास्ते में हो तो हम कहते हैं सीधे सीधे चलो इग्नोर करके, अगर तुमने तुम भागे तो पीछे ही पड़ जाएंगे. ऐसा डॉग्स के साथ भी होता है और दूसरे एनिमल्स के साथ भी. ओ शिवा प्रोटेक्ट मी. तो कहता है हे भगवान, हे शिव भगवान, मुझे मेरी रक्षा करो. आई डोंट नो वाई दिस मैन शुड बी आफ्टर मी. मुझे नहीं पता ये आदमी मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है. मीन वाइल द फॉरिनर क्राइड मार्वेलस. और तब तक क्या हुआ, ये मन में मुनि बोल रहा था तभी फॉरिनर फिर से चिल्लाता है मार्वेलस, अगेन नोडिंग हिज हेड, ऐसे हिलाते हुए हेड को. ही पेस्ड अराउंड द स्टैचू विथ हिज आइड फिक्स्ड ऑन इट. मतलब वो तेजी से चल के जाता है स्टैचू के पास और उसकी आंखें अभी भी टकटकी के साथ उस स्टैचू की ओर देख रही होती है. मुनि सैट फ्रोजन फॉर अ वाइल. अब क्या है, मुनि तो उसी के नीचे बैठा था तो वो मुनि वहीं पे फ्रोज एकदम खड़ गया कि ये लगता पुलिस वाला है, वो मुझे पकड़ लेगा. वो वहां पे एकदम से बैठ गया, ठीक है. एंड देन फिजिट मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे चलना. जब आपको नर्वसनेस होती है कि क्या करें तो आप अजीब अजीब से मूवमेंट करके चलने लगते हो या फिर वहां पे बस हाथ पैर हिलाते रहते हो, ठीक है. एंड ट्राइड टू एज अवे, मतलब किनारे होने की कोशिश की उसने, भागने की कोशिश करी. नाउ द अदर मैन सडनली प्रेस्ड हिज पाम्स टुगेदर एंड सेड, स्माइल्ड एंड सेड, नमस्ते, हाउ डू यू डू. ठीक है, तो अब जो दूसरा जो मैन, मतलब वो जो मैन है वो कहता है कि एकदम सडनली वो अपने हाथ को ऐसे जोड़ता है, प्रेस करता है, स्माइल करता है, कहता है नमस्ते आप, हाउ डू यू डू, ठीक है. एट विच मुनी स्पोक द ओनली इंग्लिश एक्सप्रेशन ही हैड लर्न्ड, यस नो. तो इसका जवाब, इसके जवाब में मुनी को सिर्फ इतना पता था इंग्लिश में, उसे दो मतलब एक ही चीज पता था, यस नो, यस नो. तो वही वो बोल देता है यस नो, ठीक है. हैविंग एग्जॉस्टेड हिज इंग्लिश वोकैबुलरी ही स्टार्टेड इन तमिल. अब उसकी तो एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाता है. जैसे हम कहते हैं ना, हमें मैसेज आता है योर डेली इंटरनेट इज एग्जॉस्टेड, तो मतलब खत्म हो जाना, एकदम ओवर हो जाना. तो उसकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी थी, वोकैबुलरी मतलब की जो वर्ड है आपकी डिफरेंट डिफरेंट, वो खत्म हो चुकी थी. अब मतलब यस नो हो गया, बस खत्म. तो अब वो क्या है, तमिल में बोलना उसने स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे कुछ तो बोलना था अजीब से आदमी को. माई नेम इज मुनी, दीज टू वर्ड्स आर माइन एंड नो वन कैन गेन से इट. ठीक है, ये दोनों, मेरा नाम मुनी है, ये दोनों मेरी जो क्या कहते हैं गोट है, बकरी है, और इस बात पे कोई जवाब सवाल नहीं कर सकता गेन से. ठीक है, दो आर विलेज इज फुल ऑफ स्लैंडरर्स. इवन दो मेरे जो विलेज है वो स्लैंडरर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों के, मान लो पॉलिटिकल पार्टीज या किसी इंसान के बारे में झूठ झूठ कहते हैं सो दैट उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए. तो इवन दो हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको झूठ कहने वाले मिल जाएंगे दीज डेज, हु विल नॉट हेजिटेट टू से दैट वॉट बिलोंग्स टू मैन डजेंट बिलोंग टू हिम. जो कि इस बात को कहने से एकदम कतराएंगे नहीं कि एक इंसान के पास जो है वो उसका नहीं है. ठीक है, मतलब वो चोरी का या कुछ भी. ठीक है, द फॉरिनर फेथफुली लुक्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मुनीज फिंगर, गेज्ड फॉर अ वाइल एट द टू गोट्स एंड द रॉक्स एंड विद अ पजल्ड एक्सप्रेशन टुक आउट हिज सिल्वर सिगरेट केस एंड लिट अ सिगरेट. ठीक है, तो क्या हुआ, अब फॉरिनर को तमिल नहीं आती थी, इनको इंग्लिश नहीं आती थी. अब यहां से शुरू होता है जो मेन पार्ट जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये यहाँ पे कॉमेडी यहाँ पे होती है. एक्चुअली इन दोनों के बाद से कॉमेडी हमने एक तरह से हंसाने की कोशिश की गई, एंटरटेनमेंट के लिए है ये. ठीक है,
तो फॉरेनर जो एकदम विश्वास के साथ उसी डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में मुनि बताता है, और मुनि तो अपने गोट की तरफ इशारा कर रहा था, तो वो वहां देखता है और गोट की तरफ देखता है, और फिर मतलब फिर रॉक की तरफ देखता है जो गेजिंग कर रही होती है उनकी तरफ, और फिर एक बहुत ही मतलब पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ ये अपनी एक सिगरेट का सिल्वर कलर का केस निकालता है, राइट, तो फिर वो सिगरेट पीने लगता है। सडनली रिमेम्बरिंग द कॉर्टिसीज ऑफ द सीजन, कॉर्टिसीज मतलब होता है पोलाइटनेस, ठीक है, तो सीजन की मौसम का जो सुहानापन है उसको सडनली रिमेम्बर करके वो पूछ लेता है, डू यू स्मोक, क्या आप भी मतलब स्मोक करते हैं। मुनी आंसर्ड यस नो, मुनी ने भी कहा यस नो। वेयर अपॉन द रेड फेस्ड मैन टुक अ सिगरेट एंड गेव इट टू मुनी, अब उसने क्या किया कि मुनी को दे दी वो, हु रिसीव्ड इट विद सरप्राइज, मतलब मुनी ने बड़े सरप्राइज होकर सोचा रही है मुझे दे रहा है, हैविंग हैड नो वन नो ऑफर ऑफ अ स्मोक फ्रॉम एनी वन फॉर ईयर्स नाउ, मतलब कि अभी तक उसको सरप्राइज क्यों हुआ क्योंकि इतने सालों से उसे किसी ने सिगरेट के लिए पूछा नहीं था। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू स्मोक अ सिगरेट, उसकी हमेशा से इच्छा थी कि एक सिगरेट मिल जाए उसे। ओनली वंस डिड द शॉपमैन गिव हिम वन ऑन क्रेडिट एंड ही रिमेम्बर्ड हाउ गुड इट हैड टेस्टेड, सिर्फ एक बार उसे जो है दे दी थी उस शॉपकीपर ने, लेकिन अब क्या है क्रेडिट पे दे दी थी, लेकिन उसे याद है कि कितना बढ़िया टेस्ट था उसका। द अदर फ्लिक्ड द लाइटर ओपन एंड ऑफर्ड ए लाइट टू मुनी, तो अब ऑफकोर्स जलानी होती सिगरेट को, तो उसने अपना लाइटर जलाया और उसे दिखाया, ठीक है। मुनी फेल्ट सो कंफ्यूज अबाउट हाउ टू एक्ट दैट ही ब्लू ऑन इट एंड पुट इट ऑफ, तो उसे एकदम वो कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है इसका, और ये मतलब उसे समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये लाइटर है, तो क्या करता है वो उसको फूक मार के बुझा देता है। द अदर पजल्ड बट अनडॉन्टेड फ्लरिश्ड इट लाइटर हिज लाइटर प्रेजेंटेड इट अगेन एंड लिट मुनी सिगरेट, अब क्या हुआ अदर जो दूसरा इंसान था एकदम पजल्ड हो गया, ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा था, डाउटफुल था, लेकिन बहुत डिटरमाइंड था, अनडॉन्टेड था, और उसने क्या किया अपना लाइटर फिर से फ्लरिश किया, मीन्स जलाया, ठीक है, और अब मुनी की के सामने प्रेजेंट करके उसकी जो वो जला दी सिगरेट। मुनी ड्रू अ डीप पफ एंड स्टार्टेड कफिंग, मतलब कि मुनी ने उसे पिया, एकदम डीप सांस ली और एकदम कफिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, बूढ़ा हो गया था ना। इट वॉज रैकिंग, रैकिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा पेन होना किसी को, तो एकदम एक्सट्रीमली पेनफुल था अंदर उसके लंग्स में जब वो गया, और वो बूढ़ा भी था उसने ऐसा खासा, ठीक है, नो डाउट बहुत ज्यादा दर्द भरा था, बट एक्सट्रीमली प्लीजेंट, बट बड़ा ही स्वादिष्ट या प्लीजेंट था। वेन हिज कफ सबसाइडेड ही वाइप्ड हिज आईज एंड टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग दैट द अदर मैन वॉज नॉट एन इंक्विसिटर ऑफ एनी काइंड, ठीक है, मतलब क्या हुआ जब उसका कफ सबसाइडेड मतलब चला गया, मतलब उसकी कफिंग रुक गई, तो उसने अपनी आंखें पोछी, जो खांसते खांसते ठीक है उसके आंसू निकल आए होंगे थोड़े बहुत, और उसने जो एक सिचुएशन का एक नाप तोल करी, और उसे फिर समझ में आ गई दूसरा इंसान इंक्विसिटर नहीं हो सकता, इंक्विसिटर वो होता है जो इंक्वायरी करता है, तो वो समझ गया कि पुलिस तो नहीं आई है। येट इन ऑर्डर टू मेक श्योर ही रिमेन वेरी, सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उसे कोई भी खतरा नहीं है, वो एकदम प्रिकॉशियस रहा या फिर बिवेयर्ड रहा, अवेयर रहा। नो नीड टू रन अवे फ्रॉम अ मैन हु गेव हिम सच अ पोटेंट स्मोक, ठीक है, तो वो कहता है कि एक ऐसे इंसान से घबराने की कोई जरूरत नहीं है जो उसे इतना ज्यादा बढ़िया दमदार स्मोक जिसने उसे दी। His head was reeling from the effect of one of those strong, मतलब reeling मतलब घूम रहा था उसका सर उस इफेक्ट से जो उसने जो लिया था अभी। American cigarette made with roasted tobacco, वो कैसी थी American cigarette थी ऑफकोर्स, और वो roasted tobacco से बनी हुई थी। The man said, I come from New York, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। Took out a wallet from his hip pocket and presented his card, अपना कार्ड दिखाता है जहाँ पे वो काम करता हो, ठीक है। मुनी श्रैंक अवे फ्रॉम द कार्ड, उस कार्ड से थोड़ा श्रैंक मतलब कि एकदम फियर की वजह से थोड़ा ऐसे छोटा हो जाना, ठीक है ना। Perhaps he was trying to present a warrant and arrest him, तो वो सोचने लगा कि शायद ये मुझे एक वारंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, मुझे अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, जो अरेस्ट वारंट होता है वो। बिवेयर ऑफ खाकी वन पार्ट ऑफ हिज माइंड वॉर्न्ड, उसका एक दिमाग का हिस्सा कह रहा था कि ये बड़ा अच्छा इंसान है, दूसरा इंसान कह रहा था खाकी से बच के रहो, ये जो खाकी कपड़े पहन के इंसान है उससे बच के रहो। टेक ऑल द सिगरेट्स ऑफ व्हाटएवर इज ऑफर्ड बट डोंट गेट कॉट,
जितनी भी सिगरेट मिले या जो भी मिले वो ले लो, लेकिन पकड़ मत जाना इस इंसान से, ठीक है। ही विश्ड ही वरंट 70 एज अ शॉपमैन हैड सेड। वो सोचता है कि वो 70 का ना होता जैसा कि शॉपमैन ने उसे कहा था। एट 70 वन डिडंट रन बट सरेंडर टू वट एवर कम, क्योंकि 70 पे इंसान भागता नहीं है, जो भी आता है उसके सामने झुक जाता है। ही कुड ओनली वार्ड ऑफ ट्रबल बाई टॉक, मतलब वो वार्ड ऑफ मतलब अपनी जो टाल सकता था ट्रबल को किस तरीके से, बातें करते रहे और बातों से अपनी जो है समझदारी से उसको हटा दे। सो ही वेंट ऑन ऑल इन द चेस्ट तमिल फॉर विच कृतम वॉज फेमस। कृतम फेमस था अपनी तमिल लैंग्वेज के लिए, तो उसी में बोलता गया, ठीक है। ही सेड बिफोर गॉड, सर भगवान हु सीज एवरीथिंग, आई टेल यू सर दैट वी नो नथिंग ऑफ द केस। इफ द मर्डर वॉज कमिटेड हुएवर डिड इट विल नॉट एस्केप, भगवान इज ऑल सीन, डोंट आस्क मी अबाउट इट, आई नो नथिंग। तो वो सोचता है कि कुछ मर्डर वगैरह हुआ होगा, उसकी यहाँ पे तहकीकात हो रही है। तो वो कहता है बिफोर गॉड, मतलब भगवान के सामने मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भगवान सब कुछ देखता है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें हम लोगों को उस केस के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर मर्डर हुआ भी था, कमिट हुआ भी था, तो जो भी जिसने भी वो किया है वो बचेगा नहीं, क्योंकि भगवान सब देख रहा है, ठीक है। डोंट आस्क मी अबाउट इट, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ। ए बॉडी हैड बीन फाउंड म्यूटिलेटेड एंड थ्रोन अंडर ए टैमारिंड ट्री एट द बॉर्डर बिटवीन कृतम एंड कुप्पम, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों वो बोला होता है, ठीक है। तो नरेटर हमें बताता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कि म्यूटिलेटेड मतलब किसी की शक्ल बिगाड़ देना, वो पहचान में ना आए, या फिर उसकी बॉडी में चीर फाड़ कर देना इस तरीके से, ठीक है। एक बॉडी ऐसी फाइंड हुई थी, और टैमारिंड मतलब इमली के पेड़ के नीचे, जो कि बॉर्डर पे है, कृतम और कुप्पम ये दो जो विलेज है उनके बॉर्डर पे मिली थी, ठीक है, अ फ्यू वीक्स बिफोर, ठीक है। Giving rise to much gossip and speculation, जिसकी वजह से काफी gossip मतलब बातें शुरू हो गई थी, और speculation मतलब कि लोग अपना कुछ भी अंदाजा लगाने लगे थे, अच्छा देख लेना इसी उस village का होगा, या इसने किया होगा खून, अरे मेरी तो शर्त लगी, ये सारी चीजें होती वो होता था वहां पे, ठीक है। मुनी added an explanation, तो मुनी ने अपने एक explanation दिया। Anything is possible there, people over there will stop at nothing, मतलब वहां पे तो उस गांव में तो कुछ भी हो सकता है, वहां के लोग किसी भी चीज पे रुकते नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पे उनका कोई पॉइंट नहीं है कि वो रुक जाए, मतलब वो लड़ाकू है बहुत। द फॉरिनर नोडेड हिज हेड, वो हिलाता है अपना सर, एंड लिसन कर्टेजली, दो ही अंडरस्टूड नथिंग, मतलब बड़े काइंडली वो सुन रहा था, बट इवन दो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई एम श्योर यू नो व्हेन द हॉर्स वॉज मेड, सेड द रेड मैन। तो रेड मैन ने कहा कि आई एम श्योर आपको पता होगा ये हॉर्स का बना, मतलब वो उसी ख्याल में और उसे लग रहा है कि उसी के बारे में बात हो रही है। एंड स्माइल इन ग्रेटिएटिंगली, विच मीन्स जैसे मतलब जब भी आप किसी इंसान के सामने हंसते हो सो दैट आपको कुछ फेवर मिल जाए, आपको उससे मदद मिल जाए, तो वो मदद ही तो मांगने आया था, तो इस हिसाब से वो इस तरीके से स्माइल करता है। मुनी रिएक्टेड टू द रिलैक्स एटमोसफियर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो वो भी स्माइल कर रहा था, तो मुनी को भी लगा बात बन रही है, तो वो भी स्माइल कर सकता है। एंड प्लीडेड, प्लीडेड मतलब रिक्वेस्टेड, प्लीज गो अवे सर, आई नो नथिंग, प्लीज सर आप यहाँ से जाइए, मुझे नहीं पता। ये सब वो तमिल में बोल रहा है, तो ऑफकोर्स उस इंसान को नहीं समझ में आएगा। आई प्रोमिस वी विल होल्ड हिम फॉर यू इफ वी सी एनी बैड कैरेक्टर अराउंड, एंड वी विल बरी हिम अप टू हिज नेक इन अ कोकोनट पिट इफ ही ट्राइज टू स्केप। तो सर हम जो है पूरी कोशिश करेंगे, अगर हमें अपने आसपास कोई भी बुरा इंसान बुरा कैरेक्टर का दिखा तो हम उसे पकड़ लेंगे, ठीक है, और जो है अगर जो है वो भागने की कोशिश करेंगे तो हम उसे जमीन में यहां तक गाड़ देंगे, ठीक है। बट आवर विलेज हैज ऑलवेज हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, अच्छा हमारे विलेज का हमेशा क्लीन रिकॉर्ड था, किसी भी चीज में किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में हमारे उसका नाम नहीं आया किसी भी दंगे फसाद में। मस्ट डेफिनेटली बी दी अदर विलेज, दूसरा विलेज ही होगा। नाउ द रेड मैन इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड मतलब kind of भीख मांगना, ठीक है। प्लीज प्लीज आई विल स्पीक स्लोली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कांट यू अंडरस्टैंड इवन ए सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है, मतलब ऐसे ही बोला होगा उसने कि प्लीज प्लीज आप
मैं धीरे धीरे बोलूंगा, क्या आपको एक भी शब्द नहीं समझ में आता इंग्लिश का? एवरीवन इन दिस कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश. मुझे तो लगता है कि इस कंट्री में ज्यादातर लोग इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है. आई हैव गॉटन अलॉन्ग विद इंग्लिश एवरीवेयर इन दिस कंट्री. मतलब यहाँ मैं जहाँ पे भी गया उन लोगों को तो इंग्लिश आती थी. बट यू डोंट स्पीक इट, बट आप तो नहीं बोलते इंग्लिश. हैव यू एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्क्रपल्स अगेंस्ट इंग्लिश स्पीच? क्या आपके रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल रूल्स के हिसाब से इंग्लिश बोलने में कुछ हेजिटेशन है क्या, या फिर ही इंग्लिश बोलना सही नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? मुनी मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड्स इन हिज थ्रोट एंड शुक हिज हेड. तो उसने क्या किया, इनडिस्टिंक्ट मतलब अजीब अजीब से कुछ साउंड निकाली उसने, ठीक है, और अपनी जैसे थ्रोट को हम साफ करते हैं ऐसे कर करके, एंड अपने सर को हिला दिया बस उसने. एनकरेज द अदर वेंट ऑन टू एक्सप्लेन एट लेंथ अटरिंग ईच सिलेबल विद केयर एंड डेलिबरेशन. तो क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, दूसरे इंसान को लगा, उसे समझ में आ गया कि अच्छा हाँ कह रहा है ये, और एनकरेज वो हो गया और उसने क्या किया, एक्सप्लेन एट लेंथ मतलब अपनी जो भी बातें थी वो एक एक करके, अटरिंग ईच सिलेबल विद केयर एंड डेलिबरेशन. सिलेबल होता है पार्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब भी आप कोई वर्ड सर्च करते हो कि हाउ टू स्पेल इट या कुछ भी ऐसे आता है गूगल पे, तो वो स्पेलिंग असली कुछ भी हो, अजीब सा वर्ड होगा, उसको अलग ही लैंग्वेज में तोड़ तोड़ के लिखेंगे, बीच में डैश लगा होगा, ठीक है. तो वो उस हिसाब से आप उसे पढ़ते हो. तो ईच जो पार्ट है एक वर्ड का, वो ऐसे आराम आराम से बोल रहा था सो दैट वो आगे वाला इंसान समझ जाए, ठीक है, एकदम डेलिबरेटली. Presently he sidled over and took a seat beside the old man. Sidled मतलब धीरे से, sidled over, ठीक है. Explaining, देखो मेरी भी जुबान फिसल रही क्योंकि बहुत देर से वीडियो बन रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप बोल रही हूँ मैं. Explaining, you see last August we probably had the hottest summer in history. तो वो अपनी बातें बताना शुरू करता है कि you know लास्ट अगस्त जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, शायद अभी तक का सबसे ज्यादा गर्मी भरा सीजन था इन हिस्ट्री. एंड आई वाज वर्किंग इन शर्ट स्लीव्स इन माय ऑफिस. और मैं शर्ट के साथ जो स्लीवलेस नहीं थी शर्ट, मतलब स्लीव वाली शर्ट के साथ मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था ऑन दी 40th फ्लोर ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, न्यूयॉर्क की हाईएस्ट बिल्डिंग थी मतलब उस समय पे, और उसकी 120 मंजिल की वो थी उस टाइम पे. एंड अभी वो उतनी मतलब और भी उससे बड़ी चीजें बन गई हैं, बट न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी थी, ठीक है. एंड स्काई स्क्रैपर थे मतलब वी है, तो वहां पे 40th फ्लोर पे वो काम कर रहा था, ठीक है. वी हैड अ पावर फेलियर वन डे. एक दिन हमारा पावर फेलियर हो गया. You know, there I was stuck for 4 hours, no elevator, no air conditioning. मतलब air conditioning ना एसी ना elevator, कुछ भी नहीं, मतलब मैं नीचे नहीं आ सकता, ऊपर नहीं आ सकता था. मतलब 40th बिल्डिंग समझ रहे हो ना, वहां से कोई नीचे आएगा क्या? नहीं. I was stuck for 4 hours, ठीक है. All the way in the train, I kept thinking. And the minute I reached home in Connecticut, I told my wife Ruth. तो all the way जो मतलब वो अपने ऑफिस से घर ट्रेन से आता था, ठीक है. तो फिर वो यही सोचता रहा इसके बारे में. और फिर जो है द मिनट मतलब जिस मिनट वो मतलब जैसे ही वो अपने घर पहुंचा कनेक्टिकट में, उसने अपनी वाइफ से कहा वी विल विजिट इंडिया दिस विंटर. इस विंटर हम लोग इंडिया विजिट करेंगे. इट्स टाइम टू लुक एट अदर सिविलाइजेशन. क्योंकि ये टाइम है हम और सभ्यता और लोगों के कल्चर और सिविलाइजेशन को जाके देखिए जहां लोग रहते हैं, और कंट्रीज को विजिट करें, ठीक है. तो फिर वो कहता है नेक्स्ट डे शी कॉल्ड द ट्रेवल एजेंट फर्स्ट थिंग एंड टोल्ड हिम टू फिक्स इट. मतलब दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे उसने पहली चीज जो करी, फर्स्ट थिंग, तो उसने ट्रेवल एजेंट को बुलाया और अपनी जो ये जो ट्रेवल है मतलब जो उसके जो प्लान है उसको फिक्स करने को कहा. एंड सो हियर आई एम, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ. रूथ केम विथ मी बट इज स्टेइंग बैक एट श्रीनगर. तो रूथ मेरे साथ आई थी, मेरी वाइफ, लेकिन वो श्रीनगर में ही रुक गई, ठीक है, जो कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है. एंड आई एम द वन डूइंग द राउंड्स एंड ज्वाइनिंग हर लेटर. और मैं जो है अभी राउंड कर रहा हूँ, मतलब इधर से उधर घूम रहा हूँ, और बाद में उसे ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, जब वो हमारा आगे का जैसा भी प्लान है. मुनी लुक्ड रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग ओरेशन. लॉन्ग ओरेशन मतलब जो ये बात उसने कही, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव मतलब डीपली थिंक करना, ठीक है, अबाउट मतलब कुछ भी जो है. तो एकदम
उसकी तरफ उस तरीके से, उस नजर से देख रहा था, रिफ्लेक्टिव तरीके से, एंड सेड रैदर फीबली, फीबली मतलब ब्लर तरीके से, जो बिल्कुल जैसे थोड़ा सा डाउटफुल होके, उसे ज्यादा कुछ समझ तो आया नहीं, उसे कुछ ही नहीं समझ में आया, ठीक है। तो जो है थोड़े जो है डाउटफुल तरीके से उसने कह दिया बस यस नो, एज ए कॉन्सेशन टू दी अदर्स लैंग्वेज, मतलब एज ए कॉन्सेशन, मतलब एज अ, जैसे किसी इंसान ने आपसे कुछ यू नो डिमांड करी और आपने उसको थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब दे दिया, जैसे थोड़ा मतलब उसके बात को रखते हुए उसके बदले में, ठीक है। तो उसने बस यस नो कह दिया क्योंकि उसने इतना अच्छा बोला था, बस मतलब उसको कुछ बोलना तो था ही ना, जवाब तो देना था बदले में। एंड वेंट ऑन इन तमिल, और फिर आगे वो कंटिन्यू करने लगा अपनी बातें तमिल में। व्हेन आई वाज दिस हाई, ऐसे करके वो बताने लगा, जब मैं इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था, ही इंडिकेटेड अ फुट हाई, मतलब इतना एक फुट हाइट को इंडिकेट किया और उसने कहा ये चीज, ठीक है। आई हैड हर्ड माई अंकल से, मैंने सुना मेरे अंकल को कहते हुए, मैंने सुना था, नो वन कैन टेल वॉट ही वॉज प्लानिंग टू से एज ही अदर इंटरप्टेड हिम एट दिस स्टेज टू आस्क। अब क्या उसके आगे बोलता, लेकिन नरेटर कह रहा है कि किसी को नहीं पता कि वो आगे एक्चुअल में क्या कहने वाला था, क्योंकि जो दूसरा इंसान अदर वन था उसने उसको रोक लिया, इंटरप्टेड मतलब बीच में ही रोक दिया, ठीक है, एट दिस पॉइंट, और कहा बॉय व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ। तो बॉय कहा उसने उससे कि मुनि से कहा उसने कि कितने बड़े हो तुम और तुम्हारे इतने चमकीले दांतों का क्या राज है। मुनि फॉरगॉट व्हाट ही हैड स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क्ड, अब मुनि इतने में भूल गया कि वो क्या बात कर रहा था, कि वो बूढ़ा था, ठीक है। और फिर उसने बोलना स्टार्ट किया, समटाइम्स वी टू लूज आर कैटल, कभी कभी हम भी अपने कैटल जो है भेड़ बकरी वो खो देते हैं। जैकल्स और चीता में समटाइम कैरी देम ऑफ, कभी कभी गीदड़ या फिर चीता उन्हें ले जाते हैं, बट समटाइम इट इज जस्ट थेफ्ट फ्रॉम ओवर इन द नेक्स्ट विलेज, क्योंकि कुछ लोग वहां से चोरी कर लेते हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है। एंड देन वी विल नो हु हैज डन इट, और फिर हमें पता चल जाता है ये किसने किया है, कभी कभी बाहर के लोग या फिर कहीं के भी लोग कर सकते हैं चोरी। A priest at the temple can see in the camphor flame the face of the thief, जो हमारे priest है, इससे पता चल रहा है कि ये लोग गांव के थोड़े से uneducated लोग हैं, तो शायद उल्लू बन जाते होंगे, तो इनके जो priest है, या तो असलियत में ऐसे ही उनके पास पावर होगी, तो जो priest है इनके temple में, वो बता रहा है कि हमारे जो priest है temple पे, पंडित जी हैं, वो कपूर को जलाने पे जो आग निकलती उसमें जो थीफ का चेहरा देख लेते हैं, और फिर जब उसे वो जब मिल जाता है, यू नो व्हेन ही इज कॉट, जब वो थीफ पकड़ा जाता है, ही गेस्चर्ड विथ हिज हैंड्स अ परफेक्ट मिंसिंग ऑफ मीट, तो फिर जो है क्या है मुनि जो है इस तरीके से कटिंग का वो दिखाने लगा, मतलब फिर मतलब उसकी कुटाई कर दी जाती है उसकी, मिलकर जो है मतलब तुक्का सही चला जाता होगा प्रीस्ट का, ठीक है, मिंसिंग मतलब होता है चॉपिंग या फिर कटिंग, जैसे ऐसे करते हैं हम लोग, कहते हैं ना ऐसे मारने के लिए। द अमेरिकन वॉश्ड हिज हैंड्स इंटेंटली एंड सेड, वो जो अमेरिकन था बहुत ही ईगरनेस के साथ उसके हाथों को देख रहा था और कहा कि हाँ मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, चॉप समथिंग, कुछ चॉप करने के लिए ना, मे बी आई एम होल्डिंग यू अप एंड यू वॉन्ट टू चॉप वुड, अच्छा मे बी मैं तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रोक के रखा हूँ, होल्ड करके रखा हूँ और तुम्हें कुछ चॉप करने जाना होगा, अच्छा वेर इज योर एक्स, तुम्हारी जो कुल्हाड़ी कहाँ है, मुझे दो, हैंड इट टू मी एंड मुझे बताओ कि क्या चॉप करना है, वॉट टू चॉप, ठीक है। आई डू इंजॉय इट, एक्चुअली मैं इस काम को बहुत इंजॉय करता हूँ, यू नो ये मेरी जस्ट हॉबी है। वी गेट ए लॉट ऑफ ड्रिफ्ट वुड अलॉन्ग द बैक वॉटर नियर माई हाउस, मेरे हाउस के पीछे जो है बहुत सारी ड्रिफ्ट वुड जो है मुझे संडे में मिलती रहती है, संडे को नहीं मतलब जैसे भी मिलती रहती है उसे, ठीक है, विच मीन्स ड्रिफ्ट वुड वो वुड होती है जो पानी के साथ, मान लो ये बीच के किनारे कहीं या कहीं ऐसी जगह पर रहता है, तो पानी की लहरों के साथ जो गीली वुड आ जाती है उसे ड्रिफ्ट वुड कहते हैं, ठीक है। एंड ऑन संडेज आई डू नथिंग बट चॉप वुड फॉर द फायर प्लेस, और संडेज को मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस यही चॉप करता हूँ, क्यों, क्योंकि जो फायर प्लेस होती है जहां पे ये लोग आग जलाते हैं उस जगह यूज आ जाए वो, ठीक है। आई रियली फील डिफरेंट वेन आई वॉच द फायर इन द फायर प्लेस, मुझे बहुत ही अलग सा लगता है जब मैं उस फायर प्लेस को देखता हूँ, बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है। ऑल दो इट मे टेक ऑल द सेक्शंस ऑफ संडे न्यूयॉर्क टाइम्स टू गेट अ फायर स्टार्टेड, इवन दो एक संडे
के दिन वो ये सब काम करता है। तो संडे को आता था एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक मैगजीन मतलब आती थी, वो पूरी खत्म हो जाए उसको जलाने में। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स एक लकड़ी जलानी है तो किसी चीज से जलानी होगी, तो सबसे पहले वो पेपर में आग जलाता था और वो पूरा खत्म हो जाता था पेपर। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर, कितना भी सुखा लो गीली ड्रिफ्ट वुड को, वो थोड़ा तो मॉइस्चर रहेगा ही और वो जलने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इससे पूरा जो है वो न्यूयॉर्क टाइम खत्म हो जाए, सारे उसके जो सेक्शन खत्म हो जाए, मतलब जो बहुत सारे पार्ट होते हैं ना। एंड ही स्माइल्ड एट दिस रेफरेंस, और उसी बात पे वो हंसने लगता है, मतलब सोच के हंसता नहीं और स्माइल करता है। मुनी फेल टोटली कंफ्यूज बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो मुनी को बिल्कुल वो कंफ्यूज था कि यहाँ हो क्या रहा है, ये क्या कह रहा है इंसान। ठीक है, बट जो है उसने क्या किया, मतलब ये थोड़ा ह्यूमरस है, और उसने क्या सोचा कि सब बेस्ट चीज अभी यही है कि मैं कोशिश करूं कि इस जगह से भाग जाऊं। ही ट्राइड टू एज आउट, मतलब किनारे होने की, किनारे खिसकने की कोशिश की उसने, सेइंग मस्ट गो होम, उसने कहा कि मुझे घर जाना चाहिए। एंड टर्न टू गो, और वो पीछे मुड़ के जाने लगा। द अदर सीज्ड हिज शोल्डर एंड सेड डेस्परेटली, उसने दूसरे ने उसका सीज मतलब सडनली होल्ड किया उसके, ऐसे हम लोग रोकते हैं ना किसी को, रोका ऐसे करके हाथ रख के, एंड डेस्परेटली मतलब होपलेसली बोला, इज देयर नो वन, एब्सोल्युटली नो वन हियर टू ट्रांसलेट फॉर मी, क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरी बात को तुम्हारे तक कन्वर्ट करके पहुंचा दे, कोई भी नहीं। ही लुक्ड अप एंड डाउन द रोड विच वॉज डिसर्टेड इन दिस हॉट आफ्टरनून, वो पूरा पीछे मुड़ के अपना जो जिस रास्ते से वो आया था उस हाईवे को वो देखता और देखता, वो पूरी डिसर्टेड है, आफ्टरनून इतनी गर्मी है तो वो डिसर्टेड है, मतलब कि एकदम खाली है, कोई इंसान वहां है ही नहीं जो उसकी मदद कर सके। द स्ट्रेंजर ऑलमोस्ट पिनियॉन्ड मुनीज बैक टू द स्टैचू एंड आस्क्ड, इजंट दिस स्टैचू योर्स, व्हाई डोंट यू सेल इट टू मी। तो ऑलमोस्ट मुनी के बैग को उसने स्टैचू के पीछे एकदम ऐसे धक्का करके रख दिया, मतलब एकदम होल्ड करके, ठीक है, और कहा कि बताओ, सीधे बताओ, ये स्टैचू तुम्हारा नहीं है क्या, तुम मुझे इसे बेच नहीं सकते क्या। द ओल्ड मैन नाउ अंडरस्टूड द रेफरेंस टू द हॉर्स, अब जो है बूढ़े आदमी को इतना समझ में आया कि हॉर्स के बारे में कुछ बात हो रही है। थॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड मतलब कुछ सेकेंड उसने सोचा, फिर एंड अपनी लैंग्वेज में बोला, आई वॉज एन अर्चिन दिस हाई वेन आई हर्ड माई ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दिस हॉर्स एंड वेरियर। ठीक है, आई वॉज एन अर्चिन दिस हाई, अपनी एक हाइट बताता हूँ। अर्चिन वैसे तो एक सी क्रिएचर होता है, लेकिन यहाँ पे अर्चिन का मतलब होता है छोटा सा बदमाश बच्चा। ठीक है, और उस टाइम मैंने अपने ग्रैंडफादर को ये कहते हुए सुना था, एक्सप्लेन करते हुए सुना था इस हॉर्स और वैरियर के बारे में, ये जो योद्धा है या जाबाज है, वैरियर और हॉर्स के बारे में। एंड माई ग्रैंडफादर हिमसेल्फ वॉज दिस हाई वेन ही हर्ड हिज ग्रैंडफादर, तो मेरे ग्रैंडफादर भी इतने छोटे थे जब उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से इसकी कहानी सुनी थी। हुज ग्रैंडफादर, मतलब फिर वो आगे बोलने जा रहा है, विच मीन्स कि कहानी बहुत पुरानी है और इनके दादा लोग इन्हें बार बार ऐसे ऐसे करके बता रहे थे, मतलब ऐसे ही सालों से चलते आ रहा है। द अदर मैन इंटरप्टेड हिम, दूसरा मैन ने उसे किया, मतलब फॉरिनर ने उसे रोका, आई डोंट वॉन्ट टू सीम टू हैव स्टॉप्ड हियर फॉर नथिंग, मतलब मैं ऐसा जो है प्रतीत या फिर ऐसा दिखाना नहीं चाहता या ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हें ये लगे कि मैं यहाँ पे बिना मतलब में रुक गया हूँ। स्टॉप हियर फॉर नथिंग, आई विल ऑफर यू अ गुड प्राइस फॉर दिस, मैं तुम्हें इसका बहुत ही अच्छी कीमत दूंगा, ही सेड इंडिकेटिंग द हॉर्स। ठीक है, ही हैड कंक्लूडेड विदाउट द लीस्ट डाउट दैट मुनी ओन्ड दिस मड हॉर्स, अब उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जो ये मुनी है उसी का ही ये मड का हॉर्स है, मिट्टी का हॉर्स है। परहैप्स ही गेस्ड बाय द वे ही सेट ऑन इट्स पेडेस्टल, शायद इस बात से वो जान गया होगा क्योंकि उसके बेस पर वो इस तरीके से बैठा था कि वो उसका ओनर है। ठीक है, लाइक अदर सोवेनियर सेलर्स इन दिस कंट्री प्रिसाइडिंग ओवर देयर वेयर्स, जस्ट लाइक दूसरे लोग जो पूरी कंट्री में वो तब से ट्रेवल कर रहा था, तो जो सोवेनियर मतलब कि कुछ रिमार्क स्मारक होते हैं, मान लो पुराने पुराने लोगों के याद में बनाए हुए जो होते हैं चीजें, मान लो किसी जगह की या किसी पर्सन की या किसी भी इवेंट की जो है चीजें दिखाने के लिए, मतलब उसको उसकी याद में कुछ स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो कुछ लोग बेचते हैं और वो उसके पास बैठे रहते हैं, मतलब जमीन पे बैठते हैं। और जो ये वेयर्स लिखा है मतलब कि जो ऑब्जेक्ट वो बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस जैसे वो सेलर्स बैठते थे तो उस हिसाब से ये भी बैठा, तो उसे यही लगा कि ये इसका हॉर्स और ये यहाँ पे
मतलब शायद बेचने के लिए ऐसे बैठा होगा, ठीक है. मुनि फॉलोड द मैन्स आईज एंड पॉइंटिंग फिगर्स एंड डिमली अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर एंड, ठीक है. तो मुनि ने मैन की आई को फॉलो किया. मैन जो है किसके बारे में बात कर रहा था, उस हॉर्स के बारे में. तो अब जो है डिमली मतलब थोड़े डाउटफुल, नॉट क्लियरली, उसे ढंग से नहीं समझ में आया, पर थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैटर क्या है, किस सब्जेक्ट पे बात की जा रही है. और उसे बहुत ही रिवील्ड रिलीव्ड फील हुआ, मतलब बहुत ही रिलैक्स फील हुआ कि अभी जो वो सब्जेक्ट था म्यूटिलेटेड बॉडी का, वो बिगड़ी हुई चेहरे वाली बॉडी, ठीक है, अब उसको अबैंडन्ड कर दिया गया है. विच मीन्स उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट पे बात छोड़ दी गई है. मतलब उसे लग रहा था अब मैं सेफ हूँ इस जो है, अब मतलब बात इस हॉर्स की होने लगी है, ठीक है. एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग, एटलीस्ट इस समय के लिए तो मैं सेफ हूं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, हॉर्स की, ठीक है. एंड सेड अगेन एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिकली मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ फिर बोला, आई वॉज दिस हाई वेन माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी अबाउट दिस हॉर्स एंड द वेरियर एंड माई ग्रैंड फादर वॉज दिस हाई वेन. वही बात को दोबारा बोलता है. द तमिल दैट मुनि स्पोक वॉज स्टिम्युलेटिंग इवन एज प्योर साउंड, जैसे कि प्योर साउंड होती है उसी हिसाब से स्टिम्युलेटिंग मतलब इनकरेजिंग या खुशी देने वाली थी उस फॉरिनर के लिए, क्योंकि वो देख रहा था कि कोई अपनी लैंग्वेज तमिल इतनी प्योरली बोल रहा है, ठीक है. द फॉरिनर लिसेंड विथ फैसिनेशन, बहुत ही खुशी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ वो सुन रहा था उसकी बातें. आई विश आई हैड माई टेप रिकॉर्डर हियर, मैं काश मेरे पास मेरा यहाँ टेप रिकॉर्डर होता तो मैं तुम्हारी बात को रिकॉर्ड कर लेता. योर लैंग्वेज साउंड्स वंडरफुल, तुम्हारी जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छी प्रतीत हो रही है, लग रही है. आई गेट अ किक आउट ऑफ एवरी वर्ड यू अटर हियर, मुझे एक किक मिलती है हर वर्ड जो तुम अटर करते हो, मतलब बोलते हो अपने मुंह से उससे, ठीक है. एक फीलिंग आती है. हियर, हियर मतलब अपने कान की तरफ इशारा करते हुए ऐसे करके वो बताता है, ठीक है. ही इंडिकेटेड हिज ईयर्स, वो अपने ईयर्स को इंडिकेट करता है, यह मतलब यहाँ पे किक महसूस होती है. बट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर ब्रीथ इन सेल्स टॉक, बट तुम्हें अपनी ब्रीथ, अपनी सांस जो है, अपनी बातें, अपनी लंग्स में, लंग्स पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है ये जो हम सेल्स टॉक में, क्यों मतलब इस बात जो बेचने की बातें चल रही उसमें टाइम वेस्ट मत करो. आई अप्रिशिएट द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है मैं उसकी बहुत ही सराहना करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और इसके जो पॉइंट्स हैं जो तुम बेचने के लिए मुझे बता रहे हो, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है. यू नो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट्स पॉइंट. तो वो देखो ये समझ में आ रहा है, एक कुछ और कह रहा है, दूसरे को कुछ और समझ में आ रहा है, ठीक है. ये लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं. आई नेवर वेंट टू अ स्कूल इन दोज डेज, ओनली ब्राह्मिन वेंट टू स्कूल, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया. मुनि कहता है उन दिनों जब मैं छोटा था तो सिर्फ ब्राह्मिन स्कूल जाते थे, बट वी हैड टू गो आउट एंड वर्क इन द फील्ड, और हमें तो फील्ड में जाके काम करना पड़ता था मॉर्निंग टिल नाइट, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग टाइम, जब मतलब जब बीज बोते थे और जब तक कटाई होती थी तब तक. एंड वेन पोंगल केम, पोंगल कब आता है साउथ इंडिया में, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब खुशियां होती हैं, ठीक है. फार्मर्स उसे बहुत मन से सेलिब्रेट करते हैं. एंड वी हैड कट द हार्वेस्ट, जब पोंगल आ जाता था और हम अपने जो क्रॉप से उसको हार्वेस्ट कर चुके होते थे, उसको काट चुके होते थे बेचने के लिए. माई फादर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले विथ अदर्स एट द टैंक, टैंक पे जाकर मुझे मेरे पापा मतलब वहां पे जाने के लिए अलाउ कर देते थे, और मैं तब जाके अपने दोस्तों के साथ खेलता था. एंड सो आई डोंट नो द परंगी लैंग्वेज यू स्पीक, जो आप परंगी लैंग्वेज आप बोल रहे हो वो मुझे इसीलिए नहीं पता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. परंगी नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं फिरंगी लैंग्वेज, फिरंगी लोग, तो वो वही कह रहा है, ठीक है. वो भी वो ढंग से नहीं कह रहा है. इवन लिटिल फेलोज इन योर कंट्री प्रोबेबली स्पीक द परंगी लैंग्वेज, हो सकता है आपके यहाँ लिटिल लिटिल बच्चे भी, फेलोज जो हैं, फेलोज मतलब बच्चे, वो भी जो इंग्लिश मतलब परंगी लैंग्वेज बोलते होंगे. बट हियर ओनली लर्नड मैन एंड ऑफिसर्स नो इट, बट यहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे हुए लोग और ऑफिसर्स ये लैंग्वेज जानते हैं. सो दैट्स इट, आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया और बस एक पार्ट और बचा है. और दैट्स इट, इफ यू लाइक्ड इट यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड कोई भी डाउट हो मुझे जरूर बताना, ठीक है. कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, इवन दो मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी अगर आपको लगता है कोई वर्ड्स ऐसे थे जो फिर भी आपके लिए थोड़े ज्यादा लेवल के थे या फिर मुश्किल थे, तो आप मुझे बता सकते हैं. सो बाय.